फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के परांठे। तो एक मैं बना चुकी हूँ छोटा सा, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, अभी ये सीख रहा है, और तीसरा मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ परांठा आपको बताती हूँ। पहले मैंने आटा गूंद लिया था, पहले आटा, इसकी मैं रोटी बनाती हूँ। पहले प्याज मैंने काटे हुए हैं और अब मैं इसके अंदर भरूंगी इसको। नहीं, पहले इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि फिर नमक नमक सा हो जाता है, पराठा अच्छा नहीं लगता। अब डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्ची। लाल मिर्ची को मैंने, हरी मिर्ची मैंने नहीं, वैसे आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची मेरे पास थी नहीं, थोड़ी सी बची है इसलिए मैंने डाली नहीं है। और ये लिए मैंने अजवाइन थोड़ी सी, बस। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी प्याज इस तरह से। ये जो मैंने काट के रखे हुए हैं प्याज, इनको बारीक बारीक काट लेना आप, मैंने थोड़ा मोटे काटे हुए, आप इससे बारीक काट सकते हैं। तो ये परांठा मेरा सीख गया। पहले इसको, परांठे को ऐसे बनाते हैं फ्रेंड, पहले अच्छे से सेक लेते हैं, जब ये सीख जाएगा तो उसमें ऊपर लगाते हैं हम घी। ये घी प्योर है, घर पे बनाया हुआ घी है मेरा, मैंने डाल दिया इसके ऊपर घी। घी जाम हो रखा है ठंड में, फ्रिज में से निकाला है मैंने, इसलिए थोड़ा फैल नहीं रहा है। कोई नहीं, अभी फैल जाएगा इस तरह से। ये बहुत इजी तरीका है फ्रेंड्स प्याज के परांठे बनाने का। कई तरीके से बनते हैं प्याज के परांठे, पर मेरा तरीका तो यही है। इसी में ही बहुत अच्छे टेस्टी परांठे बन जाते हैं। मैंने हस्बैंड को भी खिलाए थे, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत टेस्टी बने हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी इसके कई तरीके हैं, कोई प्याज को भून के बनाता है, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ इसको। मैंने कट लिया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं डालूंगी मैं घी। इस तरफ से ये सीख गया है, थोड़ा और सीख लेंगे इसको अच्छे से। जो घी है थोड़ा अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरह से पराठे बनते हैं फ्रेंड्स प्याज के। थोड़ा गोल नहीं बन पाया, थोड़ा तिरछा बन गया मेरे से, ये गोल नहीं हो पाते हैं। कोशिश मैं पूरी करती हूँ उसको गोल करने की, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा सेक आ जाए ना तो सब ऐसे कुरकुर वाला तो अच्छे लगते हैं परांठे। इसका मतलब ये है कि परांठा कहीं से कच्चा नहीं है। इस तरह से अगर कुरकुर होने लगेगी, इस तरह से ब्राउन सी शेड आ जाए, तो समझ लीजिए परांठे आटा बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है। ठीक है, आटा सीख चुका है, बस इसमें थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छे से सीखे हुए कांटे पसंद है। ये मैंने सीख लिया अच्छे से, इसको रख देती हूँ किनारे। देखिए, दो परांठे मैंने बना लिए हैं, अब तीसरा परांठा देखो। इसको मैं दिखाती हूँ आपको इकट्ठा करके, एक मिनट। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। इसको करूंगी मैं इस तरह से फोल्ड, इस तरह से गोल। Thank you.
इसमें आटा। अब इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इससे मैं दोनों हाथ से इसको बेल के दिखा देती हूँ जैसे आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको बेल लिया था। धीरे धीरे बेलना है फ्रेंड्स इसको, ये क्योंकि फटने का डर रहता है। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, दूसरे हाथ से कुकिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ प्रॉपर किस तरह से मैंने बेला। लेकिन हाँ कभी पॉसिबल हो सका अगर मेरे हस्बैंड फ्री रहे तो उनसे मैं उनके सामने अगर बनाऊँगी परांठे तो मैं आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से इसको बेलती हूँ। तो ये अच्छे से सीख रहा है एक तरफ से। अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है। इतने हम दूसरा परांठे की तैयारी कर लेते हैं। लास्ट है, चार बनाए हैं मैंने, दो बन चुके हैं, एक ये रहा और तीसरा मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसको भी फ्रेंड्स मैंने सेम प्रोसेस से बेल लिया है रोटी को। अब मैं इसमें भी उसी तरह से नमक डालेंगे, उसी तरह से नमक डाल दिया है मैंने इसमें और अजवाइन डाल दी है, ठीक है, और डाल दिया इसमें रेड चिली। आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, मेरे पास ग्रीन चिली थी नहीं तो मैंने रेड चिली का इस्तेमाल किया है इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, ये ऐसे। अब ये थोड़े से प्याज बचे हुए हैं, इसे मैं कल या शाम को सब्जी में यूज़ कर लूँगी क्योंकि इसमें अगर मैं सारा ही भर दूंगी तो ये फट जाएगा। इसलिए इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अपने रोटी के हिसाब से क्वांटिटी बनानी है इसकी फ्रेंड्स। ये नहीं कि आपने रोटी थोड़ा छोटी बेल लिया और आटा और प्याज आप फुल भर दें इसमें पूरा भर के तो फट ही जाएगा। आपको उसको मतलब इस रोटी के हिसाब से इसमें जो भी मसाला है वो भरना है, जिसके भी आप परांठे बना रहे हैं उस हिसाब से आपको उसको भरना पड़ेगा अन्यथा ये फट जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सीख गया है इधर, तो इसमें लगाते हैं हम घी इस तरह से। बहुत से लोग तेल के पराठे बनाते हैं, मुझे तेल के पराठे पसंद नहीं है, मुझे घी के ही पराठे अच्छे लगते हैं, वो भी बाजार वाला घी नहीं, वो घर पर बनाया हुआ देसी घी। तो ये सीख गया है, तो मैं पलटती हूँ। इसमें लगाऊंगी मैं घी। ये भी अच्छे से सिक गया है। ये पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। तीन पराठे मैंने बना दिए हैं, चौथा पराठा अभी रेडी होने वाला है। इसको मैं बनाती हूँ फीडिंग पूरा फिर दिखा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको भी मैंने बेल लिया है और यहाँ से थोड़ा सा फट गया है किनारे से। इतने से प्याज बच चुके हैं, मैंने ज़्यादा भरा नहीं, मैं इसको भर सकती थी, थोड़े से बचे थे लेकिन मैंने ज़्यादा फीडिंग भरी नहीं उसमें क्योंकि वो फट जाता फिर वो किसी काम का नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको बचा ही लिया है। और इसको कर देते हैं हम बंद, इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो इसको भी हम उसी तरह से देखो इस तरह से सीख चुका है एक तरफ से, दूसरी तरफ से सीख के अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। तो इस तरह से ये भी सीख चुका है, इसमें भी हम लगाएंगे घी। गैस
प्याज मैंने तेज कर रखा है इसलिए जल्दी सीख गया है। और इस तरह से हम इसको इस तरह से सेक लेंगे और दूसरी तरफ से हम लगाएंगे घी। गैस को थोड़ा कम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो सीख गया है अच्छे से, किनारे किनारे से थोड़ा सा कच्चा रह रहा है इसलिए मैं इसको अच्छे से सेक रही हूँ इस तरफ से। तो फ्रेंड्स मेरा चौथा परांठा भी रेडी हो चुका है। मैं कर लेती हूँ गैस की फ्लेम को बंद और तवे को उतार लेते हैं नीचे और उठा देते हैं परांठे को ऊपर। ये हो गए मेरे चार पराठे रेडी, 1 2 3 4। घी को डब्बे को कर देते हैं बंद। बाय बाय फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।